रैली के मकसद पर रोशनी डाली। आज 21/11/2016 को जंतर मंतर पर पदोन्नति में आरक्षण के लिए एक महारैली का आयोजन राष्ट्रीय दलित पंचायत के द्वारा किया गया है। उसमें ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, वेस्टर्न रेलवे, रतलाम डिवीजन भी उसके अंदर शामिल हुआ है। ये पदोन्नति में जो आरक्षण है, ये जनरल सीनेटी में जो SC ST रेल कर्मचारी आ रहे हैं, मेरिट में होते हुए भी उनको पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाता है, और जो ऑन मेरिट आ रहे हैं, अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, उनको भी वो रिजर्वेशन के पॉइंट पे मानते हैं। इसी के विरुद्ध आज ये महारैली का आयोजन किया गया है। इस संबंध में 2012 के अंदर ये कानून पदोन्नति में आरक्षण के लिए राज्यसभा में पास हो चुका है, लेकिन लोकसभा के अंदर ये लंबित पड़ा हुआ है। इसको पास कराने के लिए आज यहाँ पर यह महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के बाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय BL बैरवा साहब, राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार जी, अनिल चावरे जी और अन्य दलित पंचायत के जो भी पदाधिकारी है, जो राष्ट्रीय लेवल के नेता है, वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को एक मेमोरेंडम देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि जो पदोन्नति में आरक्षण का जो मामला लोकसभा में जो लंबित पड़ा हुआ है, उसको अतिशीघ्र पास करें, जिससे कि SC ST रेल कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिल सके। आज ये दिल्ली के अंदर 21 नवंबर 2016 को पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के एक राष्ट्रीय दलित पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के जितने भी कर्मचारी अधिकारी संगठन हैं अनुसूचित जाति जनजाति के, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। क्योंकि जो आज आरक्षण की जो स्थिति बन चुकी है, पदोन्नति में तो आरक्षण खत्म किया ही गया है, उसके साथ साथ जो हमारे सीनियरिटी में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पदोन्नति पाते थे, उनका भी आरक्षण बंद कर दिया गया है। तो आज एक ये हम 2012 से इसकी शुरुआत की है, लेकिन आज पहली बार इसकी शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश में इस आंदोलन को ले जाएंगे और प्रयास करेंगे कि पदोन्नति में आरक्षण तो जारी रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो स्थिति देश के अंदर बन चुकी है, इसको भी समाप्त करने के लिए हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आज हमने राष्ट्रीय दलित पंचायत के बैनर पर महारैली का आयोजन किया है। इसकी मुख्य मांग है पदोन्नति में आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन विधेयक है, उसको पास किया जाए, और अभी हाल ही में जो DOPT ने